सो है देर एवरी वन वेलकम बैक टू आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे जो फ्रेंड्स पेयरिंग प्रॉब्लम सो देखते प्रॉब्लम क्या है सो वी आर गिवन विद एन एन फ्रेंड्स ईच वन कैन रिमेन सिंगल और कैन बी पेयर्ड अप विद सम अदर फ्रेंड सो इच फ्रेंड कैन बी पेयर्ड ओनली वंस राइट सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच फ्रेंड्स कैन रिमेन सिंगल और कैन बी पेयर्ड अप फॉर एग्जाम्पल एन गिवन इज थ्री मीन्स फ्रेंड्स गिवन आर थ्री so one way can be all can be single like one two and three or all can be single now one can remain single and two and three can paired up or one and two can paired up or three can remain single right or one three can paired up or two can remain single so total number of ways are one two three and four so we'll return our answer as four right so here not given is as a one two and two one are considered same right so here it is given that uh Each friend can paired only once right so 1 2 and 2 1 will be considered as same so let's see लेट्स I'll do this. So it's recursion type solution. So let's see. तो पहले दो फ्रेंड्स ले लेते हैं मान लो एंड बी है तो एक वी तो कह सकता है वैन वैन ओल आर सिंगल ओल आर सिंगल तो कैसे होंगे ए सिंगल होगा बी सिंगल होगा ठीक है सो वैन पेयर्ड अप सो इस केस में हम पेड़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा बस ए एंड बी ए की तरीका होगा पेड़ आप हो गए ठीक है नंबर ऑफ वेज आर टू ना हो रहे, ठीक है फोर फोर एन इज इकल टू टू आवर आंसर इज टू राइट सो नाउ लेट्स सी व्हेन एन इज थ्री मीन्स फ्रेंड्स गिवन आर थ्री ए बी एंड सी तो इस केस में कैसे होगा सो वन बी कैन बी ऑल आर सिंगल ठीक है जब वो सिंगल है तो एक तरीका वो होगा ए बी सी ऐसे So another way can be when we are taking pairs. पेयर्स जस्ट सेकेंड तो अभी इस केस में क्या हो सकता है जब पेयरिंग कर रहे हैं हम तो या तो ए अब सिंगल रह सकता है बी एंड सी हमारे पेयरअप हो सकता है ठीक है तो एक तरीका और क्या हो सकता है आ, बी एंड सी का पेयरअप हो गया ए एंड बी पेयर बना सकते हैं अभी ठीक है और सी सिंगल रह सकता है सो so, अब एक और रहेगा ए एंड सी आप कर सकते हैं बी सिंगल रह सकता है सो टोटल नंबर ऑफ भी क्या हो गए वन टू थ्री एंड फोर ठीक है इस केस में हमारा आंसर फोर है तो हम इस पैटर्न से क्या देख रहे हैं हमारा आंसर कैसा आ रहा है बेसिकली एंथ पर्सन के लिए एंथ पर्सन के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं या तो वो सिंगल रहेगा या पेयर पेयरिंग अप करेगा ठीक है सो अगर हमारा एंथ पर्सन अभी सिंगल रहता है तो हम रिकर्जन अप्लाई करेंगे फोर एफ ओफ एन माइनस वन जब हमारा एंथ पर्सन इज सिंगल राइट तो अब वो अगर पेयरिंग अप कर रहा है ठीक है अगर वो हमारा एंथ पर्सन है अभी एक बार सिंगल रह गया अभी पेयरिंग अप कर रहा है तो उस केस में क्या होगा तो वो रिमेनिंग एन माइनस वन पेयर्स के लिए एन माइनस वन जो भी फ्रेंड्स रिमेंड है तो उसके साथ पेयरिंग अप कर सकता है तो उस केस में हमारी चॉइसिस क्या होंगी एन माइनस वन मल्टीप्लाई एफ़ ओ एन माइनस टू ठीक है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा हमें सारे बेस निकालने हैं जब वो सिंगल रह सकता है या पेयरिंग अप कर, कर सकता है ठीक है और मतलब सिंगल आ, प्लस पेयरिंग अप ठीक है प्लस पेड़ जो भी बन रहे हैं तो इस केस में प्लस करेंगे दोनों का सम हो जाएगा हमारा फ़ाइनल आंसर फाइनल आंसर क्या होगा एफ ओफ एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन एफ़ ओ फेन माइनस टू ठीक है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकिन ये एक्सपोनेंशियल टाइप होगी जैसे रिगर्जेंट टाइप बन रहा है ना या एन एफ ओ फैन माइनस वन कर रहे हैं फिर एफ ओ फैन माइनस टू कर रहे हैं तो हमारी इस केस में आ, सब प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग होगी ठीक है तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे डी पी की मदद डी पी की हेल्प लेके ठीक है तो अगर अभी भी ये क्लिक नहीं हुआ कैसे इंट्यूशन है इसके बिहाइंड तो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इस पर अच्छा एन इज टू तो थ्री पे ड्राई रन कर लेते हैं ठीक है जैसे हमारे पास फ्रेंड्स थे ए बी एंड सी ठीक है तो इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ वेज ऑफ रिमेनिंग सिंगल ठीक है जब वो सिंगल हैं तो उस केस में क्या वेज हैं तो एक तो ए सिंगल रह सकता है ठीक है ए सिंगल रह सकता है और बी सी पेयरिंग अप कर सकते हैं ठीक है तो इस केस में क्या है तो अच्छा इधर सारे एक बार सिंगल ही लिख लेते हैं अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज अच्छा तो इधर क्या हो रहा है तीनों सिंगल हैं ठीक है थीके? तीनों सिंगल हैं ए बी एंड सी अब इधर या तो ए सिंगल है एंड बी है बी एंड सी पेरिंग अप कर रहे हैं ठीक है थीके? या ए एंड सी ले लो अब वो पेरिंग अप कर रहे हैं या बी सिंगल है या अभी सी सिंगल है ए एंड बी पेरिंग अप कर रहे हैं ठीक है ये हो रहा है हमारा तो ये तो चलो एक तरीका हो गया जब सारे सिंगल है बट इसके लिए जब ये एन ईजल टू का केस बन गया ना एन एन टू का बी एंड सी तो फर्दर इसके क्या होगा या तो बी सिंगल रह सकता है सी सिंगल रह सकता है एंड बी एंड सी पेयरिंग अप कर रहे हैं ठीक है तो ये केस तो हमने ऑलरेडी देख लिया ना एन ईजगल टू टू के लिए तो हम दोबारा दोबारा क्यों फाइंड करेंगे उसको जब एन इजगल टू टू है उस केस में तो हमारा आंसर टू है वो सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही तो इसलिए रिकर्जन चल रही है यहाँ ठीक है तो हम बेसिकली फार्मूला डिटेक्ट करेंगे यही फार्मूला बन रहा है उसका ये हमने डिटेक्ट किया फार्मूला ठीक है बिकॉज क्या कर क्या हो रहा है देखो जब ए बी सी एंड ठीक है ए सिंगल है बी एंड सी हमारे पेयरिंग अप कर रहे हैं ठीक है तो हमने ये तो ऑलरेडी देख लिया ना इसका एक तरीका हो सकता है बी सिंगल है सी सिंगल है या दोनों पेयर अप कर रहे हैं ये ऑलरेडी हमने केस देख लिया ठीक है एक तो ये होगा तरीका एक क्या है जो ए है जो ए है हमारा या तो वो बे बी के साथ पेयरिंग अप कर रहा है या ए सी के साथ कर रहा है ठीक है और हमारा क्या हो सकता है एक तरीका एंड इस केस में भी अब बी सिंगल रह सकता है एंड सी सिंगल रह सकता है ठीक है तो हमारे टोटल वेज क्या हो गए फोर फोर एन इजल टू थ्री दो तरीके इधर हो गए दो इधर हो गए टोटल एन इज टोटल uh, आंसर क्या होगा फोर हो गया ठीक है so, सो टोटल नंबर ऑफ़ वेज हमारे क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कैसे हो रहे हैं विल फर्स्ट कैलकुलेट फोर टू प्लस ये दो तरीके हो गए टू एंड विल टू uh, सॉरी मल्टीप्लाई विल अगेन कैलकुलेट फोर वन ठीक है ये सिंगल रह सकते हैं फिर दोबारा ठीक है तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया बट इसमें सब प्रॉब्लम जो ओवरलैप हो रही हैं हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसको तो एक बार ये रन करके देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है ये चल रहा है या नहीं तो ये एक बार दोबारा देख लेते हैं फार्मूला क्या हो रहा है जैसे ए बी सी था हमारा ठीक है तो ए को छोड़ के हमारा बी सी रह गया ना बी सी रह तो बी सी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं या तो वो पेयर अप कर सकते हैं या बी सी सिंगल रह सकते हैं ठीक है थीक़ा? तो एफ ओ फ माइनस वन के लिए हमने पहले कैलकुलेट कर लिया हमारा एनईजल टू थ्री है अब या एनईजल टू के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है अब इस केस में हमारा ए सिंगल था बी सी एक बार ही सिंगल रह रहे थे एक बार पेयरिंग अप कर रहे थे ठीक है थी, अब जो जो हमारा ए है वो बी सी के साथ पेयरिंग अप करेगा ठीक कर है एक बार वो बी के साथ पेयर अप कर सकता है एक बार सी के साथ ठीक है तो उस केस में क्या हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है जैसे ए था ठीक है अभी उसने पेरिंग अप करना है बी एंड सी के साथ तो बी के साथ कर लिया फिर क्या रह गया सी रह गया एन माइ uh, एन माइनस टू रह गया ठीक है तो जब सी के साथ किया फिर बी रह गया ठीक है सिंगल वो सिंगल सिंगल भी रह सकते हैं ठीक है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बस हमारा एन माइनस वन या क्या बता रहा है जैसे ए था अभी उसको बी एंड सी के साथ पेयरिंग अप करनी है तो बच्चे कितने हैं दो हैं ठीक है तीन में से दो बच्चे हैं अभी उनके साथ पेयरिंग अप करनी है ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया तो इसका कोड देख लेते हैं एक बारी ये चलेगा नहीं टी एल्ली देगा बिकॉज एक्सपोनेंशियल होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर देंगे यूजिंग डी पी ठीक है डायनमिक प्रोग्रामिंग तो यहाँ हम फंक्शन लिख लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग टाइप का ले लेते हैं फंक्शन उसमें पास कर देंगे एन तो हमारा क्या है अब हमारा बेस केस एक तो होगा इफ़ एन इज लेस इक्वल टू टू उस केस में तो रिटर्न एन ही करेंगे जैसे एन इज टू है उस केस में दो ही वे हो सकते हैं ठीक है जब एन इज गल्ड वन होगा अब ए है जैसे ए खुद के साथ तो पेयरिंग अप नहीं कर सकता तो उस केस में आंसर वन ही होगा एन इज गल्ड टू के लिए आंसर दो होगा मतलब दोनों सिंगल रह सकते हैं या फिर दोनों पेयरिंग अप कर सकते हैं ठीक है या इसको ऐसे लिख सकते हो इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन टू तो उस केस में तो वो जो फॉर्मूला डिटेक्ट किया था हमने वो रिटर्न कर देंगे वो रिटर्न करेंगे फंक्शन ऑफ एन माइनस वन वो हमने देखा था मोड uh, एम कर लेते हैं ंसो कैन बी वेरी लास्ट तो हमने यहाँ मोडल उसकी बनाया ठीक है मोड एम प्लस हमने क्या देखा था एन माइनस वन और मल्टीप्लाई कर रहे थे हम फंक्शन ऑफ एन माइनस टू ठीक है इसका भी मोडम ले लेते हैं तो मोडम uh, तो हमारा यहाँ होगा एक ठीक uh, है तो एल्स केस रह गया हमारा एल्स हम क्या करेंगे अगर एन वन है या टू है तो उस केस में रिटर्न एन कर देंगे ठीक है सिंपली तो बस यहाँ यह फंक्शन पास करना है हमने क्या करना है रिटर्न करना है फंक्शन ऑफ एन ठीक है तो एम हमने डिफाइन नहीं किया है हम एम डिफाइन कर लेते हैं तो ये देखो हमारा सही आ रहा है आंसर बट इसमें सब प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग हो रही हैं ठीक है ये प्रॉब्लम फपोनी की सीरीज़ की तरह कुछ लग रहा है ना तो रिकर्जन यूज़ हो रही है तो एक्सपोनेंशियल होगी इसकी टाइम कम्पलेक्सिटी बट हमें एक्सपेक्टेड क्या की बन है बिग ओ फैन ठीक है तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं डी की हेल्प से तो डी में हम क्या कर सकते हैं क्या करते हैं बेसिकली जो भी रिकर्जन सोल्यूशन होता है हमारा उसमें जो भी सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही हैं तो उसको कहीं स्टोर कर लेते हैं मतलब जो पहले हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया तो उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे ना कोई मतलब नहीं बनता दोबारा कैलकुलेट करने का तो उसको कहीं वैक्टर या कहीं भी हम आंसर को स्टोर कर लेते हैं ठीक है अगर बाद में वो आंसर चाहिए होता है तो उसको वहाँ से ले लेते हैं ठीक है स्पेस यूज होती है डीपी में लेकिन वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ कर देता है तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं फंक्शन को एक तो वेक्टर पास कर देंगे ठीक है जो भी प्रॉब्लम्स सब ओवरलैप हो रही हैं सब प्रॉब्लम्स तो उनको बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे ना तो यहाँ वैक्टर में स्टोर कर लेंगे तो वेक्टर ले लेते हैं डीपी ठीक है तो एक तो हमारा होगा इफ डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू माइनस वन तो हम क्या करेंगे रिटर्न करेंगे रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ एन राइट सो नाउ ये हमने देख लिया इफ एन इज ग्रेटर देन टू तो इसमें हम क्या करेंगे इसको डी पी फैन में स्टोर कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ फंक्शन ऑफ एन माइनस वन तो डी पी यहाँ पास करेंगे डी पी पास करेंगे ठीक है एन माइनस वन फंक्शन एन माइनस टू यहाँ भी डी पी पास कर देंगे राइट सो एल्स एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे एन एन रिटर्न करने के बजाय उसको भी डी पी फैन कर लेंगे ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे अभी तो वेक्टर यहाँ बनाना रहेगा वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग डी पी ओफ एन प्लस वन साइज का ले लिया उसको माइनस वन से निशलाइज करा देंगे ठीक है तो रिटर्न फंक्शन यहाँ भी डी पी पास हो जाएगा हमारा अब जो भी हमारी सब प्रॉब्लम्स थी ओवरलैप हो रही थी उसको बार बार अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हमने वेक्टर में स्टोर कर लिया ठीक है तो सही आ रहा है आंसर बस हमारी सिंपल ब्रूट फोर्स ही आई है बस डी की मदद से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जो भी एफ ऑफ आई है या फंक्शन ऑफ आई उसके रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं बस डी में ताकि हमें बार बार आगे जैसे एनइगल टू थ्री था तो एनईजगल टू टू के लिए जब दो फ्रेंड्स थे तो तब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे ठीक है सिंपली डी से वो आंसर दे देगा तो इसको रन करके सबमिट uh, करके देख लेते हैं सो so, हमने एक्सपोनेंशियल से सिंपली बिगो फैन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कन्वर्ट कर दी So, yeah, problem solved successfully. So, that's it for this video. So, if you still have any doubt, please ask in the comment box. So, to connect with me, my LinkedIn handle is given in the description box. So, thank you so much for being here. Let's meet in the next video.